राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले सचिन पायलट के करीबियों ने जमकर की तारीफ। 28 जनवरी को प्रधानमंत्री राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में आने वाले हैं और यहां से राजस्थान को एक और बड़ी सौगात देने वाले हैं। उससे पहले कांग्रेस के कई नेता मोदी की जमकर तारीफ कर रहे हैं और कई ऐसे नेता हैं जो 28 जनवरी को वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपको मैं संकेत देने वाला हूं कि कौन से ऐसे नेता हैं जो 28 जनवरी से बीजेपी में जाने वाले हैं। सचिन पायलट गुट के कैबिनेट मंत्री हेमराज चौधरी ने बाड़मेर में सामाजिक कार्यक्रम के दौरान मोदी और इंदिरा गांधी की जमकर तारीफ करते हुए कांग्रेस के आलाकमान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मंत्री ने कहा है कि जिस तरीके से मोदी ने गुजरात में रातों रात मुख्यमंत्री से लेकर सब कुछ बदल दिया है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस फैसला लेने में बड़ी देरी करी है, जिससे उनको बड़ा नुकसान होने वाला है। एक समय था जब इंदिरा गांधी इस तरीके के फैसले लेती थी, उसी के कारण कांग्रेस मजबूती में थी, लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर फैसला लेने की देरी हो रही है, यह कारण कांग्रेस को कमजोर कर रहा है। हेमराज चौधरी इसी साल शुरू से ही लगातार पायलट के साथ रैलियों में इशारों में सीएम अशोक गहलोत को निशाने पर ले रहे हैं, लगातार सरकार की योजनाओं को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने बिजली को लेकर तो अशोक गहलोत पर सीधा आरोप भी लगा दिया है। अब जिस तरीके से हेमराज चौधरी ने मोदी के फैसले लेने की तारीफ की है, इस बात ने कांग्रेस में जयपुर से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी है। हेमराज चौधरी बायुत के अंदर सामाजिक कार्यक्रम में अपना भाषण दे रहे थे, इसी दौरान तमाम मुद्दे पर अपनी बात रख रहे थे। करीब एक घंटे तक उनका भाषण चला। इसी दौरान हेमराज चौधरी ने युवाओं को मौका देने की बात कही तो सीधा सीधा उनका यह कारण था कि राजस्थान का मुख्यमंत्री पायलट को बनाया जाए। साथ ही यह भी कह डाला है कि गुजरात के अंदर किस तरीके से मुख्यमंत्री बदल दिया जाता है, लेकिन राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलने में कांग्रेस देरी कर रही है, जो कि आने वाले समय में कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसानदायक होगा। जिस तरीके से हमने कामकाज किया है, उसमें हमें जनता शायद ही वापस चुनकर भेजे। हाल ही में 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आ रहे हैं और इसी तरीके से तमाम कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के कई मंत्री से लेकर विधायक बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे में हेमराज चौधरी के इस बयान में कांग्रेस में नई खलबली मचा दी गई है। दोस्तों, इसको लेकर जैसे ही कोई ताजा अपडेट आती है तो सबसे पहले जानकारी आपको मिले, उसके लिए आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें।